सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो अपने कैरियर को साइंस सिटी के साथ देखते हैं, जो अपने आगे भविष्य को साइंस सिटी के साथ देख रहे हैं, या साइंस सिटी में कैसे अच्छा काम किया जा सकता है उसको देखना चाहते हैं, तो लंच के बाद अपनी जगह पर बिल्कुल आकर बैठेंगे। और जो लोग किसी और वजह से आए हुए हैं उनके लिए मीटिंग बिल्कुल नहीं है, इस तरह की मीटिंग हम आगे लेकर आएंगे जिसमें आपको इन्वाइट किया जा सकता है। बट आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, क्योंकि कई बार मीटिंग शुरू होने तक नहीं पता चलता, लेकिन मीटिंग बीच पता चलती है मीटिंग की ग्रेविटी क्या है। आप सब कोई बैठे हुए हैं, पन्नी को बैठे हुए बगल में अपने आप चला गया तो वहां पर खड़ा यहाँ से सकते हैं, तीन सीटें यहाँ खाली, आपकी टोपी बैठी वहां पर, टोपी बैठे कोई और बैठेगा, अच्छा बाहर गए हुए तो अगल बगल में जहाँ चाबी टोपी पन्नी बैठी वहां पर लोगों को बैठाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं एक इंट्रोडक्शन के साथ में, नए लोगों के लिए पुराने लोगों के लिए भी। एक इतनी छोटी सी शुरुआत करके जहां पर खास और आम किसी भी कंपनी और किसी भी कॉन्सेप्ट को बंद हो जाने, खत्म हो जाने, भाग जाने की घोषणा करे, वो शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत छोटी ही होगी। तभी एक आम आदमी और एक खास आदमी, हर तरह का आदमी, वो सवाल करता रहता था, ऑब्जेक्शन करता रहता था कंपनी के ऊपर, अब से पीछे चार साल, तीन साल, दो साल, एक साल और पांच साल पहले। और जब कंपनी की शुरुआत थी तब छोटा सा एक शुरुआत रहा होगा, तभी लोगों के सवाल या ऑब्जेक्शन आते होंगे। एक छोटी सी शुरुआत जो डाउटफुल थी, जो लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क बनी हुई थी, एक कंपनी वो पांच सालों में कई थाउजेंड करोड़ की कंपनी बन जाती है, हजारों नहीं लाखों लोग इस कंपनी से जुड़ जाते हैं, हजारों नहीं लाखों परिवारों में एक रोजगार जाना शुरू हो जाता है, और कई हजार लोग इस कंपनी के साथ ऐसे डेडिकेशन से काम करने लगते हैं कि जैसे उनका मंदिर, मस्जिद, काशी, मदीना, सब कुछ साइंस सिटी का ऑफिस और साइंस सिटी हो चुका हो। ये शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन जो अचीवमेंट है वो मजाक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चमत्कार हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पांच सालों में इतना बड़ा अचीवमेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। छोटी सी शुरुआत से, एक बिल्कुल छोटी, जहां पर डाउट था, क्वेश्चन मार्क्स थे, और ये लगा हुआ था कि भाई कंपनी बस अब भागी तब भागी, अब भागी तब भागी, ये लगा हुआ था। और हमें से बैठे हुए कई ऐसे लोग थे जो भी यही कामना करते थे, यही कल्पना करते थे, लेकिन ये सारी कामनाएं और कल्पनाएं वो कपोल साबित हुई, और पांच सालों के अंदर कंपनी ने उन माइलस्टोन्स को पा लिया, प्राप्त कर लिया, जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। चमत्कार ही है, इसे मैं चमत्कार नहीं मानता। ये दरअसल किसी भी काम की जो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है मैं वो मानता हूं। अगर आप काम कर रहे हैं तो निरंतर, अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के लिए जरूरी होती है जो बातें, वो होती है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी नियत और आपका बिलीव, कि आपका विश्वास इस बात पर हो कि आप जो करना चाहते हो आप कर ले जाएंगे और वो करने के लिए आप आए। पांच साल पहले एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू हुई कंपनी, चंद लोगों के साथ दो कमरे के मकान शुरू हुई कंपनी, आज की डेट में भारत वर्ष के कोने कोने में फैल रही है। चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो हमारी कंपनी के अंदर हो, चाहे हमारी कंपनी के बाहर हो, एक चीज को लेकर के हर एक आदमी मानता है, वो है कंपनी की प्लानिंग को लेकर के। सबसे पहले हमारी प्लानिंग समझ लोगों को नहीं आती, उन्हें ये लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इम्पॉसिबल को ही आई एम पॉसिबल हमने साबित किया, जो असंभव था उसी को संभव हमने बनाया है। इसीलिए आज हम मैदान में काम भी कर रहे हैं, पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि न जाने कितनों को हम अपने साथ में लेकर उनको सर्वाइव करवा दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया काम के नीति, नियम, तरीके, प्लान, इन सारी चीजों को लेकर के। इन्हीं सब में एक प्लान अभी लेकर कंपनी आई जिसका नाम है प्रिंसिपल कैश बैक। जब इस प्लान की तैयारी की जा रही थी तो एक विचार मेरे ख्याल में बार बार आ रहा था, और वो विचार था, आज मैं भविष्यवाणी से बात करता हूं, वो ये था कि अगर ये प्लान मैं हिंदुस्तान में ठीक से फैलाने में कामयाब हो गया तो रियल एस्टेट में कोई और काम नहीं कर पाएगा, वो रियली नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इन्वेस्टर, एक कस्टमर इंतजार करेगा हमारी कंपनी का कि कब हमारी कंपनी प्लान लेकर के आ रही है, जहां पर इतनी फुल प्रूफ गारंटी कि आप अपनी जमीन को लेते हैं, जमीन में आप पैसे जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी रजिस्ट्री कराइए, पोजीशन ले लीजिए, आप पास अगर आपकी पोजीशन है तो मकान भी बनवाइए, और साथ ही साथ में अपना पूरा का पूरा प्रिंसिपल कैश बैक ले लीजिए, पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो देखने में अगर देखा जाए तो ये
एक ऐसा ऑफर है कि अगर आप इसको खुली आंखों से कस्टमर को बताएंगे तो कस्टमर तो पहले यकीन नहीं करेगा। यकीन करने से पहले इसकी आपसे हजारों गारंटी मांगेगा। तो कस्टमर कैसे यकीन करे और वो गारंटी आप कैसे दे सके, इसी के लिए ये CORS ट्रेनिंग रखी गई है। यहां पर आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि एजुकेट करने के लिए आपको बुलाया गया है। और वो सारे सवाल जो कस्टमर आपसे कर सकता है या जो आपके मन में आते हैं या जो सवाल आपको भविष्य में रोक सकते हैं आपको काम को या जो सवाल आपके बीच में आए हों, उन सवालों को आप पूरी दिलेरी से पूछिए। अगर उन सवालों के जवाब होंगे तो जवाब जरूर दिए जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हो जिसके जवाब ना हो तो उन जवाबों को खोजा भी जाएगा, तलाशा भी जाएगा, और अगर कहीं कुछ कमी होगी हमारे अंदर तो हम उस कमी को दूर भी करेंगे। दोनों चीजें जरूरी नहीं कि जो बात आपको कही जाए हम उसी बात को जो हम कह दें उसको आप मानिए। हो सकता है बात बात में, कल की मीटिंग में बात बात में एक छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो इस मीटिंग का फायदा यह भी हो सकता है अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हैं। अगर किसी चीज से आपको लगता है कि नहीं ये चीज लॉजिकल ना होकर के इसमें कुछ और अमेंडमेंट किया जा सकता है तो आप अपनी वो राय भी दे सकते हैं। तो आप सभी मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं। द फर्स्ट थिंग, हम सबसे पहले पीसीबी की बात करेंगे, पीसीबी के सवाल लेंगे, उनके जवाब आपको दिया जाएगा। पीसीबी के बाद एसबीसी का रिडेम्पशन उसकी बात की जाएगी। इसके बाद हमारे जो और भी नए प्लान है, बीएपी प्लान है या आगे जो आने वाले अपकमिंग प्लानिंग है उनकी बात की जाएगी। फिर भी एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से टोटली ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए रखी गई है और पीसीबी के एजुकेशन के लिए रखी गई है। मैं सवाल अपना शुरू करने जा रहा हूं। सवाल शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको याद दिलाना चाहूंगा। पहली चीज ये कि जब भी कोई एक बंदा सवाल करेगा तो बाकी लोग उस सवाल को जरूर सुनेंगे ध्यान से। हो सकता है कि आप ही का सवाल कर रहा हो और उस सवाल पर जितने लोगों की सहमति होगी वो सारे लोग अपना हाथ ऊपर उठा देंगे। अगर हाथ उठा हुआ संख्या ज्यादा रहा तो ये माना जाएगा कि ये सवाल ज्यादा तक लोगों का है, वो सवाल यहां ले लिया जाएगा। और अगर आप में से बैठे हुए लोगों को लगता है कि सवाल बिना वजह का है तो अगर लोग हाथ नहीं उठाते ऊपर तो ये माना जाएगा कि सवाल बिना वजह किया जा रहा है सवाल को, क्योंकि लिमिटेड समय है, लिमिटेड टाइम है और सवाल का जवाब आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप जाकर कस्टमर को सेटिस्फाइड या संतुष्ट कर सके, ना कि आप स्वयं संतुष्ट हो। तो ऐसे सवाल जिसमें सिर्फ आपकी संतुष्टि हो बाकियों की संतुष्टि ना हो वो सवाल यहां पर कतई कदापि नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, आप जितने वैल्यूएबल सवाल पूछेंगे उतने कम समय में ज्यादा सवाल के जवाब दिए जा सकेंगे। आप जितना कम समय में ज्यादा बातों को समझने की कोशिश करेंगे, जितने कम आर्ग्यूमेंट में जा छोड़ बल्कि अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे कि आप हमारी बातों को समझें ना कि अपनी बात हमें समझाएं, तो उतने ज्यादा मैं सवालों के जवाब आपको दे सकूंगा। टाइम इज योर, क्वेश्चन इज योर, आपको तय करना है कि आप ऐसे सवाल करके ज्यादा आर्ग्यूमेंट में जाना चाहते हैं या आंसर में जाना चाहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद, आपके लिए काम के लिए। तो पीसीबी का पहले मैं बताऊं कि पीसीबी का की उत्पत्ति क्यों हुई है, पहले वो बता देता हूं, कल के लोगों को एक बार रिपीट हो जाएगा। प्रिंसिपल कैशबैक ये प्लान किस लिए लाया गया है, तो इस सवाल आने से पहले मैं आपको प्रिंसिपल कैशबैक के बारे में बताना चाहूं। कितने लोग एक बार फिर से हाथ उठाएंगे जो शाइन सिटी के साथ जुड़े हुए किसी भी तरीके से, एक बार हाथ फिर से उठा देख सकते हैं प्लीज। अच्छा, आपके उठे हाथों में वो हाथ दब गए जो नहीं उठे। चलिए, दैट्स, थैंक यू वेरी मच। पीसीबी को जो लाया गया है वो एक मकसद से लाया गया जो मेरा अपना मकसद है, रियल एस्टेट में शाइन सिटी की मोनोपोली, रियल एस्टेट में शाइन सिटी की कंप्लीट मोनोपोली, कि दूसरी कोई भी कंपनी, आप सुनते हैं कंपटीशन में किसी भी कंपटीटर को अपने से दूसरे तीसरे चौथे पर नहीं छोड़ता हूं, 10 नंबर पीछे छोड़ता हूं। नंबर वन हम थे, नंबर वन हम हैं, नंबर वन हम रहेंगे, हमारे बाद नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो खाली पड़ा रहेगा, कोई नहीं आएगा। इस मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए, इस मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसे इस इंडस्ट्री में हमने दिया, जैसे कार्यकर्ता, काम करने वाले लोगों को, जो प्रॉपर्टी काम करते थे पहले लोग उनको ब्रोकर कहते थे, दलाल कहते थे, प्रॉपर्टी डीलर कहते थे, हमने उनको एसोसिएट नाम दिया, ये नाम हमारा दिया हुआ है। एसोसिएट नाम दुनिया में बहुत पहले से था लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों को सम्मान के साथ में एसोसिएट नाम देना, बीडीएम नाम देना, CORS नाम देना, सीनियर बीडीएम नाम देना, वाइस प्रेसिडेंट नाम देना, प्रेसिडेंट नाम देना, ये शाइन ग्रुप ने सिखाया है। दूसरी चीज, हमेशा जमीन का कारोबार जो हुआ करता था वर्ग गज वर्ग मीटर में हुआ करता था, हमें एक
अलग से माप तौल की इकाई दे दी, वो स्क्वायर फीट की दी, था पहले भी ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े काम में हमेशा जो वर्ग गज वर्ग मीटर इस्तेमाल हुआ करता। कुछ चीजें हमने दी इंडस्ट्री को। रियल एस्टेट में कमीशन के स्ट्रक्चर को हमने बदला। रियल एस्टेट में 2%, 3% का कमीशन हुआ करता था, इससे ऊपर कमीशन नहीं होता था। कैसी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, 2%, 3% काम होता था। हमने इसको बिल्कुल बदला। हमने जब इसे चेंज किया तो हमारे ऊपर बड़े ऑब्जेक्शन आने शुरू हो गए कि अरे सब तो बांटे दे रहे हैं, तो बांट फायदे से रहे थे। जमीनों में हमने प्लॉटिंग का काम पकड़ा, उस काम को जहां पर हम भविष्य की प्लानिंग में आकर काम कर सकते, इसलिए क्योंकि भारत देश के अंदर अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपर्टी भविष्य के लिए परचेस करती है। प्रेजेंट टाइम में परचेस करने वाली जो पॉपुलेशन है भारत देश में बहुत कम है। यानी आज आपके पास पैसा रखा हो और कोई प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, आपने तुरंत पैसा डाला, तुरंत खरीद लिया, ऐसा पैसा स्टोर में भारत देश के अंदर बहुत लोगों के पास नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी को सेविंग का माध्यम माना जाता है कि बचत हमें करना है तो प्रॉपर्टी लेकर के डाल दो। तो ज्यादातर लोग 70-80% भारतीय जिनके पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता है कि प्रॉपर्टी में इकट्ठा पैसा फंसा सके, लेकिन उन्हें अगर मौके की प्रॉपर्टी मिल जाए तो बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं, उधार भी लेना चाहते हैं। हमने उनके लिए मार्केट क्रिएट किया और जो लोग 5 एकड़, 4 एकड़, 1 एकड़, 10 एकड़ का मैक्सिमम काम करते थे, प्लॉट काट के लोगों को दे देते थे और वो प्लॉट महंगा बेचा करते थे, हमने उन्हीं लोगों के बगल में उन्हीं के क्षेत्र में 100-100 एकड़, 200-200 एकड़ की कॉलोनी जो प्लान की, तो वो रेट जो कभी 1200-1500 रुपए का होता था, उस रेट को हमने 400-500 पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि हमने एवरेज में लाके प्रॉपर्टी खड़ा किया। वो खरीदते थे रोड से लगी हुई जमीन 1 करोड़ रुपए बीघे, 50 लाख रुपए बीघा, हम भी खरीदते थे 1 करोड़ 50 लाख में, लेकिन जब पीछे बढ़ते थे तो जमीनों की कीमतें घट करके 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख तक की एवरेजन आती थी। तो जब एवरेज निकालते थे तो जो माल उनको पड़ता था जाकर के 70 लाख में, वही माल उनको पड़ता जाकर 30 लाख रुपए में। तो जाहिर सी बात है उनके रेट हमारे रेट में फर्क आएगा, सस्ता हम बेचेंगे। और जाहिर सी बात है अगर हम लंबी जमीन परचेस कर रहे हैं तो हम 4-3 साल खरीदारी का अगर वायदा करते थे तो हम इतने समय से आपसे पैसा भी इतने समय नहीं लेते थे, लंबी किस्तों पर कस्टमर कंफर्टेबल होता था। तो ये प्लानिंग उनको नहीं समझ में आती थी, तो उन्हें लगता था यार ये तो सस्ता बेच रहे। दूसरी 10 एकड़ सुपर कभी की खरीदारी नहीं, तो 100 एकड़ यकीन नहीं होता था खरीदारी कर पाएंगे 100 एकड़। हमारे लोगों को सवाल दिया करते थे, वो सवाल मैंने कल पूछा था कि उनका सवाल हुआ करता था कि कंपनी का जमीन ना ले पाई तो, क्यों नहीं ले पाई, किसान ने जमीन नहीं दिया तो, किसान अगर जमीन नहीं बेचना चाहेगा तो मैंने कल पूछा था लोगों से कि क्या ये कभी हमारे सामने हर्डल आया कि किसान जमीन ना बेचना चाहे, बेचा उसने, उसने जमीनों को बेचा। तो ये सब चीजें उन्होंने कभी नहीं किया था, तो इसलिए उनको ये लगता था ये काम नहीं हो सकता है। जो काम हम कभी नहीं किए होते हैं हमें भी लगता है काम कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब काम करने भी आ जाइए तो काम के रास्ते अपने आप निकलने लग जाते हैं। तो हम लोगों ने जब देखा कि हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, हमारे ऊपर भागने की भविष्यवाणियां हो रही है, तो हमने अपने पैर को और मजबूत किया और उसकी वजह से आज प्रिंसिपल कैशबैक जैसी पॉलिसी हम इसलिए ला पाए कि जब वो हमारे भागने की भविष्यवाणी कर रहे थे तो हम जमीन खरीद रहे थे। वो जमीनें जो 1 करोड़ रुपए में थी, 50 लाख में थी, 20 लाख में थी, हमने उसे खरीदा और खरीदते खरीदते हमने अपने लैंड बैंक को बढ़ाया, काफी बढ़ाया हमने अपने लैंड बैंक को। पीसीबी लाने से पहले अगर आप में से जो लोग ग्रुप से जुड़े होंगे तो याद कीजिए, पीसीबी लाने से पहले मैं अपनी साइट के डेवलपमेंट के पिक्चर्स आपको भेजा करता था। जब आप सभी लोग एसएससी में खूब कायदे से लगे हुए थे तो मेरा 1 महीने लगातार रोज का शेड्यूल बना था कि मैं रोज पिक्स भेजता था जहां डेवलपमेंट दिखाए जाते थे, जिससे आपका कोई मतलब नहीं होता था। मैं कटे हुए प्लॉट, बनते हुए गेट, क्यारियां, बाउंड्रीज, ये सब भेजा करता था और ये बताता था, लिखता था कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है, हमारी गहराई क्या है मार्केट को नहीं पता है। बिकॉज ऑफ दैट वो इसी प्लान की तैयारियां चल रही थी। और जब पीसीबी को हमने प्लान किया तो पीसीबी के लिए मैं आप सभी लोगों को एक कैलकुलेशन बताऊंगा, कल भी मैंने बताई थी और आज भी बताऊंगा। और जब किसी कस्टमर सामने बैठे तो मार्केटिंग टूल बना के बैठिएगा, पीसीबी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे पास क्या है ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। प्रिंसिपल कैशबैक में हमने प्लान किया हुआ है कि 1 लाख प्लॉट मैक्सिमम 1 लाख प्लॉट विद इन 31st December 2018। ये 1 लाख हो सकता है पूरा बिक जाए, हो सकता है इसमें कुछ कमी भी रहे, लेकिन मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो 1 लाख प्लॉट की है। और 31 दिसंबर 2018 के बाद प्रिंसिपल कैशबैक रिवाइज होगा, वो अलग तरीकों से भी आ सकता है, क्योंकि तब तक हम 1 लाख प्लॉट की फिगर जहां तक पहुंचे होंगे, हम उन्हें पोजीशन भी दे चुके होंगे, तब तक इस इंडस्ट्री में मार्केट को हम बहुत बदल चुके होंगे और ये इस मीटिंग के अंत में आपको पता भी चलेगा। 1 एकड़ जमीन में 40,000 स्क्वायर फीट की जमीन निकलती है, पहले आपके विश्वास के लिए बताना चाहूंगा, 1 एकड़ जमीन होती है उसे 40,000 स्क्वायर फीट, कल वाला इंपोर्ट बहुत ज्यादा सही देगा।
40,000 स्क्वायर फीट जमीन निकलती है, आपने से जो लोग जानते हैं उनके लिए रिपीटेड जानकारी है, और जो नहीं जानते उसको नोट कर लें। एक एकड़ जमीन, एकड़ का पैमाइश पूरे भारतवर्ष में एक ही है, एक एकड़ जमीन में 40,000 स्क्वायर फीट जमीन निकलती है। इस जमीन में अगर हम रोड, नाली, इन सबको माइनस कर देते हैं तो अराउंड 25% के ऊपर का माल हमारा निकल जाता है, वेस्टेज में जाता है, यूज में जाता है, ज्यादा 30-35% तक का है, लेकिन कम से कम 10% तक का सपोर्ट हमें मिल जाता है गवर्नमेंट्स की उन लैंड का जो वहां चकमार्ग या चकरोड या चकनाली के तौर पर हमको खरीदारी में मिलती है। वो जमीनें हमारे काम आ जाती है सड़कों को भी। जैसे अगर आप काशियाना में जाएं तो काशियाना में जितनी भी रोड उधर से आई हुई है जो चकरोड की तरफ से है, उसमें से 2-3 रोड हमारी ऐसी जो सरकारी रोड है जो ऑलरेडी पहले से थी, हमने उन्हें थोड़ा सा बढ़ा करके उसको चौड़ा कर दिया, 2-30 फीट होगी। तो जो रोड हमें मिलती है सरकार की तरफ से रोड हमें प्राप्त हो जाती है। कई ऐसे पार्क होते हैं जो ग्राम सभा की जमीन होती है वो पार्क में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी पहले से पार्क या स्कूल की जमीन पहले से रहती है, वो उसी प्रोजेक्ट में आ जाता है, तो वहां भी बचत हो जाती है। अब अगर हम इसको 25% लैंड निकाल देते हैं तो 10,000 स्क्वायर फीट लैंड निकल जाती है, ठीक है। अब हमारे पास सेलेबल एरिया होता है 30,000 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया होता है, तो हमारे पास जो प्लॉट है वो कितने निकलेंगे इसमें 1,000 स्क्वायर फीट के? 30 निकलेंगे, यानी एक एकड़ में 30 प्लॉट निकलेंगे, 10 एकड़ में 300 निकलेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा, 100 एकड़ में 3,000 निकलेंगे, और 1,000 एकड़ में 30,000 निकलेंगे, और इसी को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 90,000 हो जाते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1,20,000 हो जाते हैं, यानी 4 गुना जमीन, 4,000 एकड़ जमीन 1,20,000 प्लॉट के लिए पर्याप्त है, ये समझा आपने? तो यहां पर कोई ऐसा बैठा है जो हाथ उठाना चाहेगा कि शाइन सिटी के पास 4,000 एकड़ जमीन नहीं है, कोई है जो बताना चाहेगा, इसका दावा करेगा? फिर क्या एक फार्मूला होता है, ये फेथ होता है, उसके बाद फेथ के ऊपर एक्शन डिपेंड करता है, और एक्शन से ही आपका रिजल्ट आता है। अरे समझना, पूरी मीटिंग में बहुत काम आएगी। आपका फेथ जितना मजबूत होगा आपका एक्शन उतना भरपूर होगा, और आपका एक्शन जितना भरपूर होगा आपका रिजल्ट उतना मजबूत होगा। अभी यहां बैठने के बाद ये 4,000 एकड़ जमीन पे आपका फेथ जितना मजबूत होगा उतने अच्छे से आप समझ पाएंगे, और जितने अच्छे से आप समझेंगे उतना अच्छा बेच पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे वाले में अगर फेथ है तो फेथ की तरह साथ रखना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह काम आता है। जिंदगी में किसी भी काम को करिए, उस काम पर अगर आपका बिलीव, आपका फेथ मजबूत है तो आपका एक्शन उतना मजबूत होगा, आपका एक्शन जितना मजबूत होगा आपका रिजल्ट उतना मजबूत होगा। अपने रिजल्ट के हिसाब से आप मत देखिए कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, ये देखिए जरूर कि जो रिजल्ट आपका है उस पर आपका एक्शन कितना था, और जो एक्शन था उस पर आपका फेल कितना था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर होगी। अगर आप घर से 1,00,000 रुपए कमाने के लिए निकले हैं और उस 1,00,000 रुपए कमाने में आपकी इनकम 50,000 ही बनी है तो आप देखिएगा, हो सकता है कि आपने कोशिश पूरी की हो। कई बार लोग शिकायत करते हैं कोशिश पूरी की हो फिर भी रिजल्ट 50 का आया है, तो तीसरे पे जाइएगा, देखिएगा आपका फेथ में कहीं ना कोई कमी जरूर होगी। तो फेथ, एक्शन, रिजल्ट, ये हमेशा याद रखे रहेगा कि इनका आपस में समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। एक बार फिर से मैं रियली जानना चाहूंगा आपके फेथ के साथ में, कि आप में से कितने लोगों को इस बात का यकीन है, फेथ है कि शाइन सिटी के पास 4,000 एकड़ जमीन है, उस हाथ से हाथ देखना चाहूंगा मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाथ इसलिए नहीं उठवाया आप लोगों से कि मैं अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ, हाथ मैंने इसलिए दिखाया कि जो काम हमने किया उसका यकीन कितने लोगों को है और उस यकीन का लेवल क्या है। आपका जो फेथ होगा वो मेरे फेथ को बढ़ाता है, और करीब 3500 एकड़ जमीन हमारे को 1,00,000 प्लॉट देता है। अब इतना तो आपको पता है कि हमारे पास 4,000 एकड़ जमीन है कम से कम। ये वो जमीन है जो ऑलरेडी कंपनी के पास में है, कंपनी के संपत्ति के तौर पर है, कंपनी द्वारा एग्रीमेंट, नोटरियल और रजिस्ट्री के तौर पर है, कंपनी ने इसको खरीदा हुआ है। यह जमीन 4,000 एकड़ जमीन इसलिए बनी हुई है कि पीछे 7 से 8 महीनों के बीच में जब हम सभी, आप सभी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए लगे हुए थे, उस समय काफी लोगों ने अपने प्लॉट्स को डिफॉल्टर किया, कैंसिल करवाया, रिफंडिंग करवाया,
हमारे बीच के ही कुछ लोगों ने मिलकर के अलग अलग कंपनियों के लिए काम करना शुरू किया और हमारे ही कस्टमर्स के लिए गए प्लॉटों को तरह तरह की बातें समझाकर कैंसिल करवाया, उसको कहीं और इन्वेस्ट करवाया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे जो इसके पीड़ित भी होंगे, उनके कस्टमर्स को किसी और ने समझा दिया या किसी भी वजह से उन प्लॉट को कैंसिल करा लिया या रिफंडिंग में चला गया प्लॉट, या ऐसे आप लोग बैठे होंगे जिसे लोगों ने हमारी कमजोरी बनाना चाहा वो हमारी ताकत बनी। इसलिए कि जब कस्टमर्स को रिफंडिंग जान लगे कस्टमर का विश्वास बढ़ा, फिर हम ओटीएस पॉलिसी लेकर के आए। ओटीएस पॉलिसी में और पता चला कि हमारे कितने लोग हमें विश्वास करते हैं। रेस्ट आपको हम अब एग्जिट करने जा रहे हैं जो अब डिफॉल्टर्स होंगे। अगस्त के बाद से ऐसे सभी डिफॉल्टर्स के प्लॉट को हम कैंसिल करके जमीन को खाली करेंगे। आज की डेट में हमारे पास, हमने जब उनको रिफंडिंग कर दी, उन्हें कैंसिलेशन को वापस कर दिया उनके पैसे को, तो हमारे पास अच्छी जमीनें वो पड़ी हुई हैं जो जमीनें कभी बिकी थी 300-400 रुपए में और आज उसकी कीमत 700-750 रुपए। हमारी कमजोरी जो थी जिन्होंने समझा था, हमारी ताकत बन चुकी है। 300 वापस लेके गए हैं और 700 बिकने की जमीन तैयार बैठी हुई है। और अभी हमने बिल्कुल डंके के चोट पर हल्ला करके बैंड बाजे के साथ में लोगों को बताया कि देखो हम पोजीशन दे रहे हैं, साइटों पे कस्टमर को बुला के देखो पोजीशन दे रहे हैं। और हमारा हर एक एक्शन लोग पहले से नहीं जानते, एक अगस्त के बाद से भी हमारे एक्शन लोग नहीं जानेंगे, वो बहुत ही अलग तरह से ड्रामेटिक एक्शन होगा जिसमें आप देखिएगा कस्टमर का फेथ इतनी तेजी से बढ़ता है। आज हमारे पास इतनी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, इससे ज्यादा जमीनें खाली पड़ी हुई हैं जो हम खरीद चुके हैं, जिसमें हमें कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई नया इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है, बल्कि ये जो पैसा आएगा इसका हमें यूटिलाइजेशन कहीं और करना है। अब अगर पीसीबी के तहत कोई आज पैसा हमें डालता है तो ऑलरेडी वो जमीन हमारे पास होगी, उस पैसे को हमें कहीं मूव नहीं करना है। तो हमने जमीन उसको दे दी, कब्जा दे दिया, अभी भी जमीन पड़ी हुई है, वो जमीन हमें फसल तो दे नहीं रही है। चलो भाई तुम रजिस्ट्री करा लो, कब्जा ले लो, तुम तुम्हारे पास पड़ी, मेरे पास पड़ी, बात एक बराबर। अब तुम्हारा जो पैसा है वो पैसा मुझे 36 महीने में आपको वापस करना है। उस 36 महीने से पहले उस पैसे से अगर मैं कोई दूसरी जमीन लेता हूं तो मेरे पास एक नया माल तैयार हो जाता है, एक नई चीज तैयार हो जाती है। और वो नई चीज आपने में दिया स्क्वायर फीट वाले रेट से पैसा, और हम उस पैसे में डालेंगे बीघे और एकड़ वाले में। ऑलवेज वो 3 times फायदा देता है। समझने वाली बात इसे आप समझिएगा, मैं अपना चीज आपको नहीं बता रहा बल्कि आपको ट्रेनिंग उसे दे रहा हूं कि वर्क कैसे करता है। आप मान के चलो कि आपने हमको ला करके पीसीबी के तहत 10 plots दिया, 35 lakh रुपए हमें दिया आपने, हमने आपको 10 plots में 10,000 स्क्वायर फीट जगह अलॉट कर दी। अब 35 lakh रुपए जो आपने दिया है हमें, उस 35 lakh रुपए से हमने जा करके 1 acre जमीन खरीदी। 1 acre जमीन जब खरीदी तो उस 1 acre जमीन कितना निकला मान, 40,000 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट जमीन निकली, 30 plots निकलेंगे, 10 हमने दिया, 30 निकल आए मेरे पास। अब ये 30 बिकेंगे तो 30 बिकेंगे करोड़ रुपए में जाकर के, और जब 3 गुना पैसा मेरे पास आया है, 1 paisa से मैंने 3 paise बनाए, 3 paise में एक ही पैसा वापस करना है मुझे आपको, एक ही पैसा वापस करना है मुझे आपको। तो ये टोटल कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है, ये कोई जादू नहीं होता। जो लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं उसको नहीं समझ पाएंगे कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे दे पाएंगे। बस ईमानदारी इतनी रखनी है, ईमानदारी इतनी रखनी। अगर मैं आपके पैसे से जमीन खरीद रहा होता तो शायद पॉसिबल ना होता, जमीन तो ऑलरेडी मेरे पास है, आज आपने पैसे दिए, मैंने आपको दी, लायबिलिटी खत्म। आपके पैसे को मैंने नेक्स्ट जमीन में डाली, आपके दिए गए 10 customers से मैंने 10 plots आपको दिया, और उस 10 plots के पैसे से मैंने जो जमीन खरीदी वहां से 30 plots मेरे पास आए। अब 30 नए बिक्री के लिए तैयार बैठे पड़े हुए हैं, 30 नए प्लॉट आगे मैं बेच सकता हूं। तो आपके ही पैसे से देखा जाए, आप ही के लाए पैसे से, आप ही लेकर आए हैं पैसा, आप ही ने दिया है, आप ही ने बिकवाया है, आप ही खरीदवा रहे हैं, आप ही आगे बिकवाएंगे। तो यहां पर अकेले कंपनी कोई जादू थोड़ी कर रही है, वो आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, आपकी प्लानिंग है, आपके एफर्ट्स हैं, वहां से ही आ रहा है। तो सवाल हमसे नहीं, सवाल आपको खुद जवाब आपके पास में कि ये कैसे पॉसिबल है। 10 plots बेचते हो, 30 plots पैसा लाके देते हो, और ये 30 plots भी आप ही बेचते हो, 10 वाले को सिर्फ पैसा देना है। 30 बेचोगे आप तो 90 plots पैसा आएगा, 90 बेचोगे तो 90 × 3 = 270 का पैसा आएगा। तो मेरे भाई 1 plot के बदले में 3 plots का पैसा तो आप लाके दे रहे हो मुझे, क्लियर है ये? तो ये पीसीबी की पावर है आपके पास। तो यहां पर आपका फेथ जो है वो मजबूत होना चाहिए, और एक बात का और फेथ होना चाहिए। अब तक पीछे जब पीछे का जो इतिहास गवाह है, आपके लाए हुए पैसे का मिसयूज नहीं हुआ है। आपका लाया पैसा अगर मिसयूज होता तो आज पीसीबी आपके बीच में ना होता,
ये प्लान आपके सामने ना होता है, आपके लाए हुए पैसे सही जगह इस्तेमाल हुए, प्रॉपर्टी में इस्तेमाल हुए, जमीनों में लगे हुए हैं और जमीन का ही काम किया गया है। ठीक है, तो मैं शुरू करूं फिर सवाल जवाब। कल की मीटिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, मैं चाहूंगा एक बार मैं सवालों को मैं रिपीट करूं, अगर वो सवाल आपको सूट करते हैं तो मैं इन सवालों को रहने देता हूं, और अगर उसमें कुछ नया सवाल आ जाता है तो मैं नया सवाल ले लूंगा। तो जरा क्वेश्चन नंबर एक लेकर क्या हो, कल की मीटिंग में एक सवाल था कि पीसीबी निवेश का पैसा कंपनी कैसे वापस करेगी। आप में से अगर लोगों का जिनका ये सवाल है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, कंपनी कैसे वापस करेगी, कहां से लाएगी, किस तरह से देगी। संख्या कम है हाथों की, नहीं जिनका सवाल हो, जिनके मन में शंका हो कि पीसीबी निवेश का पैसा कंपनी कैसे वापस करेगी, इस सवाल का जवाब जो जानना चाहते हैं हाथ ऊपर उठाएं। अगर संख्या 20 से कम होगी तो सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। कम से कम 20 लोग तो ऐसे हो। चलिए आगे 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 अगला, इससे कहना कि सवाल करने में सवाल करने से बच जाऊंगा मैं, याद रखना। अगला सवाल, ओके रहने दो क्वेश्चन को, क्या कंपनी रिटर्न में देती है कि प्रिंसिपल कैश बैक वापस दिया जाएगा। ये सवाल से कितने लोग सहमत हाथ उठाएं प्लीज। अगर संख्या 20 से कम होगी तो सवाल नहीं लिया जाएगा, ओके। अच्छा कल कितने लोग आए थे हाथ जरूर उठाए प्लीज, ये सुनील जी बता रहे हैं। नहीं बाकी जैसे मैं पहचान के निकाल सकता हूँ।